मेरी जर्नी ग्वालियर आर्ट्स कॉलेज से किया, उसके बाद फर्स्ट एग्जीबिशन किया भोपाल में, है ना, वो भी कला परिषद किया स्टेट अकादमी ने। तो फर्स्ट टाइम मैं भारत भवन गया, भारत भवन जाके स्वामीनाथन जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि आज ओपनिंग करेंगे आप। तो उन्होंने बोला ठीक है करेंगे, वो आगे कहने पे, थोड़े से कहने पे वो आगे बोले चलेंगे, बोले आज शाम को आएंगे। शाम को आए, उन्होंने एग्जीबिशन वगैरह देखा, देखने के बाद बोले अरे यहाँ ग्राफिक क्यों नहीं करते तुम, प्रिंट मेकिंग करता था, वुड कट करता था एक्चुअली में। फिर वो कहने लगे भोपाल आ जाओ, यहाँ सब रहने की व्यवस्था है, ये वो सब गेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो मैं एग्जीबिशन करने के बाद ना कॉलेज पास आउट हुआ, उसके बाद सीधा भोपाल आ गया। फिर उनके अंडर में, उनकी देखरेख में काम स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे प्रिंट मेकिंग सीखा, लिथोग्राफ, एचिंग, ये तो नए मीडियम थे हमारे साथ, सेल स्क्रीन, कोलोग्राफ, तो ये वहाँ सब मशीनें थी, सब चीज़ें थे, इक्विपमेंट्स वगैरह सब थे। तो इसमें धीरे धीरे करते रहे, सीखते रहे। फिर तो उसके बाद कुछ समय बाद स्थिति थोड़ी सी वैसी हो गई, तो पेपर वर्क ज़्यादा किया उधर। फिर ऑयल पेंटिंग 89 में अकबर पदम सिंह ने काम खरीदे मेरे, वो 80,000 रुपये देखे गए थे 89 में। उससे मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद अपने कैनवास कलर्स वगैरह सब कुछ लेके गया। फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग्स बड़े बड़े किए। '93 में मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था सोलो बॉम्बे में, तो उसकी ओपनिंग करने अकबर पदम सिंह आए हुए थे। तो वो देख के बोले कि भाई मैंने पैसा दिया कहाँ, मैंने कि ये लगा दिया इसमें, ये पेंटिंग उन्हीं पैसों की है। तो हंसने लगे, बड़े मजाक करने लगे, वो कह रहे अब तो स्कॉलरशिप मिलेगी तुम्हारी यार, खूब कमा लिया तुमने, ऐसे मजाक, बड़े मजाक की मूड में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे 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 स्टार्ट हो गया। फिर भोपाल रहा 18 साल, वहाँ काम किया, पेंटिंग किए, ग्राफिक किया, ड्राइंग किए, पेशर्स किए। के बाद फिर वही काम, लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ बहुत रिलीफ हुआ, यहाँ केवल काम ही किया, बाकी गॉसिप वगैरह जो होता ना, फालतू का कारोबार बंद हो गया, यहाँ केवल पेंटिंग के साथ ही रहना हो गया दिल्ली में आके। और ये बहुत अच्छी बात रही कि आप अपने अपने स्टूडियो में अपने काम के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, रह रहे हैं उसके साथ, ये दिल्ली में आके बहुत ज़बरदस्त मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ।
और चीज़ें बहुत सी चीज़ें समझ में आई मेरे को यहाँ आके, लगा मेरे को महसूस हुआ कि नहीं, काम ही जीवन है, बाकी ये सब चीज़ें ख़राब हैं। तो उस धीरे धीरे काफ़ी मेजर, अभी 2000 दिल्ली में आने के बाद बहुत बड़ा एग्जीबिशन किया बॉम्बे में, तावाड़ गैली में, मेजर शो था मेरा। और 2018 में आर्ट माइंडेड जी अरुण बेरा जी की गैली उन्होंने किया, बहुत बड़ा एग्जीबिशन, उसमें बुक भी लॉन्च की उन्होंने, इवन ताओ में भी बुक लॉन्च हुई थी 2007 में। तो यहाँ दिल्ली में आके ये बहुत अच्छा हुआ, पेंटिंग्स में काफ़ी बदलाव हुए और पूरा रुझान जो कहना चाहिए है ना, जो आपके अंदर जुनून होता है, पूरे जुनून के साथ वो दिल्ली में आके, क्योंकि यहाँ कुछ गॉसिप के लिए ही नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं है ना, अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो दिल्ली में आके बहुत अच्छा वो हो गया मेरे जीवन में, चीज़ें बल दी, लोग बल दे, वो सब चीज़ें हट गईं जो भोपाल में दे रखी थी, वो सब हट गए धीरे धीरे। और इसमें सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा रोल है ना जे स्वामीनाथन का है, वो मेरे गुरु हैं, गुरु थे, आज उन्हीं की बदौलत यहाँ बैठा। दिल्ली के आर्टिस्ट हैं अनवर खान जी, हमारे उम्र के हैं। मुझे एग्जीबिशन के रूप में मुंबई में मिलते थे, बहुत काम करने वाला, बहुत लगन से काम करने वाला ये कलाकार भोपाल से आता है। गए साल में ललित कला एकेडमी में उनकी पेंटिंग मैंने पाए, पूरे के पूरे गैलरी में, 9 के 9 गैलरी में उनके पेंटिंग की डिस्प्ले हुई थी, और एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना प्रदर्शन ललित कला में किया था। एब्स्ट्रैक्ट शैली में काम करने वाला एक कलाकार, बहुत लगन से काम करता है, और उनकी जो कला है वो एक अपनी अलग पहचान है। एक कंटेम्पररी फील्ड में जो युवा कलाकार जो काम कर रहे हैं उसमें एक श्रेष्ठतम रूप में उनका नाम है। सबसे बातचीत की, काम देख रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, शांत है काम करने लायक, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उस तरीके से, आगे भी काम ही करना है। और यहाँ सब सीनियर भी हैं हमारे, उन लोगों का भी एटमॉस्फेयर काम देखने को मिल रहा है, साथ साथ काम कर रहे हैं।
कि मतलब एनर्जी के ऊपर काम करता हूँ, अभी से नहीं कर रहा, 32 साल से काम कर रहा हूँ, कि चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, है ना, अपने आप, ना उसमें आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना प्रकट होने की बात होना चाहिए, अचानक चीज़ें पैदा होती हैं, है ना, उन पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो इसके एनर्जी के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, कौन सा जो पावर है जो चीज़ों को लेके आता है आपके पास, है ना, वो चीज़ें नई नई फॉर्म, नई नई लाइनें, ये सब चीज़, वो टेक्चर, ये सब चीज़ उसमें वो करती है। मैंने ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, है ना, देश के माने हुए कलाकार ने इसमें, तो ये बहुत अच्छा है। और एक एक ऐसी जगह पर भी काम लगेगा आपका, सम्मानित जगह पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी ललित कला का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि उसने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया सब आर्टिस्टों को, है ना, इस तरीके से।